Yo, what's happening guys? My name is Loggy और आज हम एक बारी फिर से यहाँ पर खेलने जा रहे हैं Roblox। और भाई साहब ये वाली गेम तो भाई हम काफी टाइम के बाद यहाँ पर खेलने जा रहे हैं। तो गाइज आज हम यहाँ पर खेलने वाले हैं कार रेंटल टाइकून और लेट्स गो। आते ही यहाँ पर एक कस्टमर आ चुका है और ये रहे अपने सर जी यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर बैठे हुए हैं और बंद स्क्रीन से ये पता नहीं कैसे यहाँ पर लोगों को गाड़ी हायर पे दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, अपना काम तो यहाँ पर चल रहा है तो सही है यार। और गाइस गेम का फंडा भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा सिंपल है, मुझे सिर्फ यहाँ पर एक बड़ी सी कार रेंटल वाली डीलरशिप यहाँ पर बनानी है। और ये देखो फिलहाल मेरे पास ये 1970 की भैया चोमू सी गाड़ी यहाँ पर पड़ी हुई है और फिलहाल मैं सिर्फ यही गाड़ी यहाँ पर दे पा रहा हूँ रेंट पे। लेकिन भाई आज हम यहाँ पर हमें पूरा ये चेंज करना है, तो आज मुझे पूरी बिल्डिंग यहाँ पर बनानी है और इनको मुझे पूरा भरना है गाड़ियों के साथ। और ये देखो सामने वाला बंदा भाई पूरी लैम्बोर्गिनी यूरस दे रहा है भाई हायर पे। तो भाई कोई बात नहीं, अभी एक काम करते मैं भी यहाँ पर शुरू करता हूँ। और अगर पैसे की तरफ देखो तो आते ही भाई गेम शुरू करने पर मुझे यहाँ पर पूरे $1 million दे दिया। लेट्स गो। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यही $1 million मुझे यहाँ पर यूज करने हैं और अपनी पूरी बिल्डिंग मुझे यहाँ पर अभी बनानी है। और थोड़ा बहुत खर्चा पानी मेरे को भी देना भाई, तेरे पास $1 million कैसे आ चुकी है? हे रे मेहनत होती है भाई मेहनत। और ये देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक अपने लिए वेटिंग रूम बनाऊंगा। और ये देखो वेटिंग रूम के अंदर यहाँ पर कॉफियां भी है, यहाँ पर तरह तरह के फ्रूट्स भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। और एक काम करते हैं थोड़ा सा ऐसे भाई माहौल बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक रेडियो भी लगा लेता हूँ। रेडियो गया किधर? अबे तू पैसा खर्च कर रहा माहौल बनाने में, मेरे पास खाने के पैसे नहीं है तो माहौल बना रहा यहाँ पे। वही तो भाई देख रहे हो ना, एकदम से भाई मोटा पैसा मुझे खर्चना है और मैंने सिर्फ दो तीन चीजें ली और कितना ज्यादा पैसा मेरा चला गया भाई। मैंने 80,000 आते ही खर्च लिए। मेरे पास 80,000 गेम में नहीं है, तू कैसे कर रहा है ये? ओके काम करते हैं भाई, अभी पैसे भाई कुछ ज्यादा ही स्पीड से कम हो रहे हैं। तो एक काम करते हैं यहाँ पर एक और प्लेटफॉर्म मैं खरीदता हूँ और यहाँ पर अब की बारी एक और गाड़ी यहाँ पर खरीदते हैं ताकि थोड़े बहुत और इनकम मुझे यहाँ पर मिल जाए। तो अभी यहाँ पर आ रही है 10,000 की क्रॉमवेल स्पोर्ट। तभी अगर मैं खरीद के देखूं तो भाई साहब एकदम से खतरनाक गाड़ी आ चुकी है। और अगर इस गाड़ी की इनकम की तरफ देखूं तो क्या है ये $60 per second। वैसे सही है यार, अगर मैं इसकी तरफ देखूं तो ये दे रही है मुझे $50 per second और इसके सामने वाली मुझे दे रही है 60। तो एकदम से सही है यार। लॉबी के अंदर एक बंदा है उसके पास नियरली 1 billion है यार। व्हाट अगर मैं चेक करके देखूं, भाई साहब ये वाला बंदा देख रहा हूँ 700 million और आई थिंक ये बिल्कुल मेरे सामने यहाँ पर बना हुआ है। ये देखो मैं भी आ रहा हूँ उसी की तरफ भाई साहब। ओ माय गॉड क्या ही शोरूम इस बंदे ने बना के रखा है यार। तेरा शोरूम कहाँ पर है? खतरनाक बना के रखा है, ये जो बड़े वाला देख रहे हो बिल्कुल उसी के सामने ये तीन दीवारें मैंने खड़े करके रखी हुई हैं। लेकिन कोई बात नहीं यार, एक काम करते हैं फिलहाल मुझे उसके ऊपर यहाँ पर ध्यान नहीं देना है। एक काम करते हैं फिलहाल जितना भी पैसा मेरे पास यहाँ पर है मुझे सारा यहाँ पर खर्च करना है गाड़ियों के ऊपर। तो ये देखो अभी यहाँ पर सामने एक और प्लेटफॉर्म आ रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 3। और अभी अगर मैं यहाँ पर भाई साहब 15,000 की गाड़ी यहाँ पर आ रही है, चलो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। और ये कितनी कूल लग रही है, एकदम से मस्त लग रही है। और ये मुझे दे दिए $70 per second और बिल्कुल उसके सामने एक और गाड़ी मुझे यहाँ पर खरीदनी है जो है ये $35,000 की, लेकिन ये अभी मुझे दे रही है $80 per second। तो सही है। और अगर मैं गिफ्ट बॉक्स खोल के देखूं तो नाइस यहाँ पर थोड़े से पैसे भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। और स्पिन व्हील के बारे में अगर बात करके देखे तो ओ भाई साहब रिवॉर्ड्स तो एकदम से मोटे वाले पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे पता है क्या मिलेगा? अरे लेट्स गो, $364,000 मुझे और यहाँ पर मिल गए। वैसे सही है, थोड़ी सी और फंडिंग मुझे यहाँ पर मिल गई। और अभी ये सारा पैसा मुझे यूज करके अब यहाँ पर एकदम से बड़ी वाली बिल्डिंग बनानी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी दीवारें यहाँ पर कवर कर लेता हूँ और यहाँ पर अभी आएगा अपना पहला गैरेज डोर। ब्रो ये तू फेंक रहा है कि वाकई में तू इतना खर्चा कर लिया है? अरे मैं कर रहा हूँ भाई, एकदम से मोटा खर्चा मुझे यहाँ पर करना है। और ये देखो अभी यहाँ पर पीछे और गाड़ियां मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ और भाई साहब 5 lakh की गाड़ी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर सुपर यॉट खड़ी है किसी की। व्हाट इज सुपर यॉट के ऊपर? सुपर यॉट कौन दे रहा भाई रेंट के ऊपर? यहाँ पर इतना पैसा किसके पास यहाँ पर आ चुका है? ओए भाई बंदे के पास बहुत पैसा भाई, मैं उसकी इन्वेंटरी देख रहा हूँ, 700 million है नुबड़े के पास भाई। लॉगी 700 million भाई साहब, 700 million जरा मैं खोल के देखूं तो भाई 2 सेकंड पहले इसके पास 700 million थे, अभी 50 million और आ गए इसके पास। आई थिंक भाई ये अंधा पैसा कमा रहा है, कोई ना कोई इसे बंदे छोड़कर रखे जो कि बेंगलुरु के लेके आ रहे हैं इसके लिए। ये देखो भाई अभी अपना एक नया सेक्शन यहाँ पर आ चुका है SUV कार्स का। तो इसका मतलब ये है कि भाई ऑब्वियसली यहाँ पर एक SUV वाला सेक्शन यहाँ पर आएगा। और अभी मैंने $1 lakh खर्च करके कितनी बड़ी जमीन यहाँ पर खरीद ली। ये रहा आ गए कस्टमर, आए कस्टमर। हाँ किधर हो? अच्छा यहाँ पे आए तेरे कस्टमर आ रहे हैं। हाँ अगर आपको गाड़ी खड़ी नहीं करनी तो भाग जाओ भाई, अगर आपको गाड़ी रेंट में नहीं लेनी तो भाग जाओ भाई यहाँ से। मैं अपनी गाड़ी यहाँ पर बेचने आया, बता मेरी गाड़ी कितने लेगा तू? ये खटारा गाड़ी का अगर मैं ध्यान से देखूं तो भाई ये उसके उल्टे आपको पैसे देने पड़ेंगे।
ये ज्यादा मत बोल दी क्या मेरे सामने है। मैं निकल रहा हूँ मेहनत करने के जा रहा हूँ मैं अभी, और बता रहा हूँ अगले 3 साल में मैं आऊंगा मोटा मोटा पैसा लेके, देखियो मेरे पास भी सुपर यॉटें होंगी। अबे फिलहाल देख रहे हो कितने अंधी गाड़ियों पर है भाई मेरे पास, यहाँ पर आ चुकी है अंधे लेवल की गाड़ियाँ आ रही है मेरे पास। इतना पैसा होगा कि मैं तेरे को अंधा कर दूंगा। जिस बातों की बात होती है, जिस बात हमारे एक नंबर है यहाँ पे। ये रहने दो भाई रहने दो, फिलहाल एक काम करते ब्रोस मैं यहाँ पर चलता हूँ बार, और एक काम करते यहाँ पर मैं थोड़ी सी बार भी कस्टमाइजिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बाहर जाके बार कस्टमाइज कर रहा अरे भाई मुझे बार, ये देखो अपना पार्किंग लॉट यहाँ पर लगाना है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर बार से लोग आएंगे तो उनको यहाँ पर गाड़ी। बार 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 बोल रहा है बार बार, क्या बार हो गया भाई, बाहर निकल अब यहाँ से भाई। ये कौन सा बिल बोर्ड लगा हुआ है फ्री कैश वाला, ये देखो इसको बाहर लगा। एक मिनट भाई जरा मैं इसके पास अगर जाके देखूं तो, अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा भाई, ट्रोल कर रहा है भाई मुझे। मेरे को पता है क्यों कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि तू बाहर आ गया। रहने दो भाई। और ये देखो यहाँ पर लिखा है क्लेम ए सीक्रेट कार। वे व्हाट, अगर मैं इसको क्लेम करके देखूं तो क्या मिला भाई मुझे यहाँ पर? कौन सी गाड़ी तेरे पास? ये खोल के ओ भाई साहब, भाई गाड़ियों तो अपने पास, ये देखो भाई सुपर गाड़ियां भी मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। अब मेरे पास टेस्ला का साइबर ट्रक भी है। वे व्हाट भाई, अगर मैं इसको चला के देखूं तो ये देखो भाई मेरे पास लेके आया यार, मेरे को ट्रक इसका बहुत ज्यादा पसंद है ब्रो, मेरे को चलाना है रियल लाइफ मैन। कितना कूल लग रहा है देख रहे हो ना, और वो भाई साहब चलाने पर मुझे $8,000 मिले। गाड़ी चलाने पर पैसे मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये कि मुझे रोड के ऊपर जाना है और अपनी एजेंसी का प्रमोशन मुझे यहाँ पर करना है। ओ अच्छा ऐसी बात है क्या भाई? आई थिंक ऐसी बात है। 400 रुपए दे रहे हैं यार गाड़ियाँ चलाने के। और भाई ये कैसे ये दे रहे हो भाई? ये चल ही नहीं रहा है भाई। अच्छा फेल हो चुका है यहाँ पे। इधर मेरे गैरेज के अंदर आएगा ना तेरी आंखें बाहर आ जाएगी बाहर। हाँ टॉम एंड जेरी के अंदर टॉम की आंखें बाहर आती है ना, बस तेरी आ जाएंगी देखिए। करते चलो भाई ये वाली गाड़ी ले चलते हैं। और किधर हो चपाती भाई, आप तो दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं दिख रहे हो। अरे मेरा गैरेज इतना बड़ा है कि तू ढूंढ भी नहीं पाएगा भाई, तेरी आंखें बाहर आ जाएंगी, जबड़ा मेरा खुला रह जाएगा जबड़ा। ये वाला तो यहाँ पर नहीं है यार, एक काम करते इस तरफ में जाके देखता हूँ किधर हो चपाती भाई, कहीं ना कहीं तो होंगे यहाँ पर। मैं उस तरफ नहीं, मैं बाहर हूँ भाई। आप तो दिख ही नहीं रहे हो, बात लगता है ये वाले होंगे आप। अब चपाती इंडस्ट्रीज है, चपाती इंडस्ट्री। ये रहे चपाती, मुझे यहाँ पर मिल चुका है। वाकई में आ गया। बाहर देख रहे हो स्पोर्ट्स कार देख रहे हो भाई अपनी। भाई साहब तेरे पास क्या बस वाली गाड़ी है यार, एकदम जबरदस्त। और भाई तेरे मेरा गैरेज कैसे लगा तेरे को? भाई वो तो मैं देख रहा हूँ यार, फिलहाल गैरेज लग तो नहीं रहा है, और अगर मैं जरा अंदर झांकने की कोशिश करूँ तो आपने तो सिर्फ एक ही नूबड़ी सी गाड़ी यहाँ पर खड़ी करके रखी हुई है। वो खतरनाक, मैं तेरे को बोल कर रखा था कि जैसे तू देखेगा तेरी आंखें बाहर आ जाएंगी, मैंने बोला था तेरी आंखें बाकी भी बाहर आ गई। रहने दो भाई, काम करता है यार, पहले मैं अपनी गाड़ी यहाँ पर बाहर ले चलता हूँ यार। और ऑल्सो चपाती आपको पता ना बीच में यहाँ पर एक रेसिंग वाला ऑप्शन भी आता है, तो आई थिंक अगर हम यहाँ पर रेस करेंगे तो हम यहाँ पर और ज्यादा पैसा भी यहाँ पर मिलेगा। और वो देखो भाई ऊपर माउंटेन बड़ी हुई है। अरे ये देखो भाई आ गया, मैं तेरे गेम के अंदर हराने वाला हूँ अब, ठीक है? मैं गेम के अंदर हार जाए तो सही है, अब रेस में भी हार जाए तो मैं नहीं चाहता कि तू एक गेम में दो बारी हारे मुझसे। मैंने तो भाई रेस को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, ये देखो भाई मेरा नाम तो यहाँ पर आ चुका है, और आई थिंक 2-3 बंदे और ने भी यहाँ पर ज्वाइन करके रखा हुआ। अभी आ रहा हूँ फिर, गाली को घर महंगी वाली गाड़ी लेके आई। चल ओके एक काम करता है यार, ये वाली गाड़ी ले चलते। ये देखो एकदम से सुपर अपने पास यहाँ पर आ चुकी है, वैसे लग तो नहीं रही है लेकिन एकदम से सुपर कार आ चुकी है अपने पास। और भाई यहाँ पर बंदे भी खड़े हुए हैं अपने सपोर्ट के लिए। अबे तू पोजीशन 1 पे कैसे आ रहा है तू? वो इसलिए क्योंकि रेस में और कोई है ही नहीं, अकेले मैं ही रेसिंग कर रहा हूँ। कम ऑन भाई, ये कौन सा तरीका है यहाँ पे चीट करने का? अबे चीट नहीं है भाई, मेरी गलती थोड़ी है कि किसी ने यहाँ पर रेस ज्वाइन नहीं की। किसी को दम नहीं है लोगों के सामने बात करने की। हाँ देख रहा तू, या तो ऐसा हो सकता है कि रेस जीतने पर कुछ मिलता ही नहीं है भाई, इसलिए शायद किसी ने यहाँ पर रेस ज्वाइन नहीं की है। कुछ तो मिलेगा यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है यार, इतनी बड़ी रेस है, इतना पैसा लोगों ने लगा कर रखा है, इतने यात्री खड़े हैं यहाँ पर चीखे मार रहे हैं, लोग चपाती चीखे मार रहे, तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए रेस के अंदर। यार मैंने यहाँ पर गाड़ी माउंटेन के अंदर ठोक दी यार, लेकिन कोई बात नहीं। और ऑल्सो मैंने देखा है कि यहाँ पर जेम्स भी हम यहाँ पर देकर रखे हैं, तो चपाती भाई जरा पता लगाओ कि जेम्स से यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर। मेरे पास तो पूरे खेल रहे हैं यहाँ पर, पता लगाओ भाई, मेरे पास तो पूरे 250 जेम यहाँ पर पड़े हुए हैं। मेरे पास है 65 जेम्स, तो अगर मैं जेम्स के ऊपर क्लिक करके देखूं ना तो ये बोल रहा है रोबोस खर्च को और जेम्स लो। तेरी ट्रोल कर रहा है भाई, ट्रोल कर रहे हैं। और नाइस भाई, मुझे रेस के बीच में 2,500 रुपए मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि यार एकदम से गाड़ी चलाना भी एकदम से वर्थ है भाई यहाँ पर। और ये देखो यहाँ पर एक छोटा सा टास्क भी इन लोगों ने देकर रखा है, तो अभी अगर मैंने यहाँ पर 200 माइल कवर कर लिए तो ये बताइए कौन सा नंबर है भाई यहाँ पर? 2 मिलियन। अच्छा 2 मिलियन है यहाँ पे, मतलब कि अगर तू 200 माइल कंप्लीट करता है तो तेरे को 2 मिलियन मिलेंगे भाई, तेरा नियरली होने वाला है वो। वही तो भाई, 138 मीटर तो मैंने यहाँ पर कवर कर लिए, सिर्फ कुछ ही और मुझे यहाँ पर करने हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि गेम बेवकूफ है या गेम को तो लूट रहा है। अरे भाई लगता है दोनों यहाँ पर चल रहा है भाई, गेम बेवकूफ भी है और उसी बेवकूफी का फायदा उठा के मैंने गेम को लूट लिया। तूने रेस कंप्लीट भी कर ली, नाइस भाई, यू हैव फिनिश्ड द रेस एंड कम इन फर्स्ट प्लेस आउट ऑफ 2 प्लेसेस, नाइस है भाई।
तो क्या मिला क्या भाई? मुझे थोड़े से जेम्स यहाँ पर मिले। तो जेम्स व्हाट द हेल, तो कुछ ज्यादा ही लूट मार मचा के रखे तूने तो यार। यहाँ पर तो सबका दिवालिया निकलवाएगा यहाँ पे। मुझे तो इस सरजी को यहाँ पर बीट करना है यार। देख रहे हो कितना मोटा पैसा इसके पास यहाँ पर पड़ा हुआ है। उसको तो मैं बीट करूंगा। रहने दो भाई, रहने दो। फिलहाल आप खुद को बीट नहीं कर पा रहे हो भाई यहाँ पर। और एक काम करते हैं, फिलहाल मैं गाड़ी यहाँ पर छोड़ लेता हूँ और अंदर चलते हैं और यहाँ पर थोड़ी सी और अपग्रेडिंग कर रहे हैं। आइए आइए सर जी, एकदम से यार मस्त लेवल की यहाँ पर वो आ रही है भाई कस्टमर्स। और ये देखो, थैंक फॉर चूजिंग अवर रेंटर। और यहाँ पर लिखा है बेस्ट प्राइसेज, एकदम से बढ़िया लेवल का प्रमोशन यहाँ पर चल रहा है। और एक काम करते हैं, अभी ये जो पीछे मैंने $100,000 खर्च करके रखे है ना, अभी एक काम करते हैं इसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा खर्च करते हैं यहाँ पर। और ये देखो $1,50,000 की गाड़ी यहाँ पर आ रही है। अगर मैं इसको खरीद के देखो तो किधर BMW तुम लोगों ने देख रखी है लॉगे को। सही है भाई, 1.5 लाख की ये कचरा हाँ। तुम लोगों ने बेच लिया लॉगे के ऊपर। ट्रोल हो गया, ट्रोल हो गया। आई थिंक यहाँ पर हर एक जगह पर यहाँ पर सिर्फ गाड़ियां यहाँ पर हमें यहाँ पर कवर करनी है। और अभी ब्रोस मैंने एकदम से खतरनाक चीज यहाँ पर खरीद के रखी है। यहाँ पर आ चुकी है फ्लोर 2 की लिफ्ट। तो इसका मतलब ये है कि हम ऑलमोस्ट यहाँ पर सेकंड फ्लोर के ऊपर भी पहुंचने वाले हैं। लेकिन फिलहाल मेरे पास उसका पैसा यहाँ पर है ही नहीं। वो पूरे $13 million की यहाँ पर आ रही है। तो एक काम करते हैं, फिलहाल उसको छोड़ते हैं यहाँ पर। मुझे सिर्फ यहाँ पर और ज्यादा गाड़ियां खरीदनी है। तो ये देखो भाई, $2.5 लाख की गाड़ी यहाँ पर आ रही है। अभी अगर मैं इसको खरीद के देखूं तो ये बार बार चोमू गाड़ियां दे देते हैं यार ये। लेकिन सही है, इनकी इनकम एकदम से बढ़िया यार। यहाँ पे हर सेकंड मुझे $100 यहाँ पर दे रहे हैं। और एक काम करते हैं, बिल्डिंग कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर अभी दीवार भी लगा लेता। और यहाँ पर आ चुकी है इलेक्ट्रिक गाड़ियां। तो इसका मतलब ये कि अपनी टेस्लास और बाकी की गाड़ियां बिल्कुल यहाँ पर आएंगी। और जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये 6.5 लाख की गाड़ी भी यहाँ पर खरीद के ही जाऊं। तो अभी अगर मैं खरीद के देखूं तो ये देखो भाई, सिर्फ $100 दे रहे हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं। और एक काम करते हैं ब्रोज, अगली वीडियो में मुझे यहाँ पर एकदम से खतरनाक लेवल का अपग्रेड यहाँ पर करना है। तो ब्रोज अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलें, टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।